चैप्टर नंबर 11 दीपावली का आपको बुक वर्क कंप्लीट कराएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और इसका पेज नंबर 57 खोलेंगे और मेरे साथ साथ बुक में फिल करेंगे। तो सबसे पहले उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इन शब्दों से हमें खाली जगह भरनी है। दीपावली को पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व के नाम से शांति की या प्रकाश की पाई। अब एक ग सही विकल्प के आगे सही लगाइए। दीपावली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका हिंदुओं का, मुस्लिमों का या पारसी इसका त्यौहार है हिंदुओं। इस अवसर पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। कब? दीपावली पर धनतेरस पर या भैयादूज पर। कब माना जाता है? धनतेरस। कुछ लोग दीपावली पर खेलते हैं क्रिकेट, बैडमिंटन या जुआ। क्या खेलते हैं? जुआ। लक्ष्मी देवी को कहा जाता है त्योहारों की देवी, विद्या की देवी या धन की देवी। तो क्या कहेंगे लक्ष्मी को? धन की देवी। आगे है आपका भाषा बोलता है। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। क्या कहेंगे? लक्ष्मी को धन की देवी कहा पवित्र। दीपावली का त्योहार पवित्र त्योहार है। अज्ञान। दीपावली का पर्व अज्ञान रूपी अंधकार को
दूर भगाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका भाषाबोध कार्यक्रम। अब है आगे ख, समझिए और लिखिए। सुख और सुख समृद्धि, यहाँ पे है सुख और समृद्धि। तो इसी तरीके से आपको फल फूल, फल और फूल, खील बताशे, खील और बताशे, रंगाई पुताई, रंगाई और पुताई, रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, यानी इनमें और शब्द लगा के आपको ये पुनः लिखने, यानी दोबारा लिखने हैं। और निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए, वचन बदलिए। तो दिया, दिया का वचन क्या होगा? दिए। मोमबत्तियों का मोमबत्ती, यानी ये बहुवचन में बना, ये एक वचन में मोमबत्ती। मिठाई बहुवचन में बनानी है तो मिठाइयाँ। बताशे एक वचन में बनानी है बताशा। तो ये हो गया आपका आज का होमवर्क। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में ये काम फिल करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। तो पेज नंबर है आपका 59। डू पेज नंबर 59, बुक एंड नोटबुक, इन बुक एंड नोटबुक। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।